अमित सरताज साहब ने कि किसी को कोई खतरा नहीं है। और शेख रशीद अहमद कहते हैं 6 अरब से कुछ जायद ज़र मुबादला IMF की छतरी भी नहीं, दहशतगर्दी की लहर, आटे के डबल रेट पर भी सन्नाटा, अल्लाह अल्लाह रहम करे। अपने ट्वीट में उनका कहना था कि दवाइयों की किल्लत, खाम माल नायाब, टेक्सटाइल बंद, क्या ये है तब्दीली। शेख रशीद का मजीद कहना था कि इस्लामाबाद बल्दिया से भागने वाले मुल्क में खाक इलेक्शन करवाएंगे, जवान दिफाए वतन पर जाने निछावर कर रहे हैं, हुक्मरान आंख मचोली खेल रहे हैं, इलेक्शन अप्रैल मई में ना हुए तो हालात मजीद खराब हो जाएंगे। और रहनुमा PTI असद उमर का आजम स्वाति की जमानत में ताखीर